दोस्तों, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की हादसे में मौत हो गई है। खरखौदा सोनीपत के पास उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई है। उनके साथ दो दोस्त भी थे जो घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी की टक्कर किसी कंटेनर के साथ करनाल टोल प्लाजा के पास हुई थी। वो स्कॉर्पियो गाड़ी में सफर कर रहे थे। उनके साथ एक महिला दोस्त भी थी। उनका शव खरखौदा अस्पताल में है, वहां से सोनीपत भेजा जा रहा है। फिलहाल इस हादसे की अभी तक इतनी ही जानकारी मिल पाई है। बता दें कि दीप सिद्धू उस समय चर्चा में आए थे जब पिछले साल कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी किसानों ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाली थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने लाल किले पर चढ़कर धार्मिक झंडा लगा दिया था। इस मामले में दीप सिद्धू पर आरोप लगा था कि उन्होंने आंदोलनकारियों को उकसाया था। इसके बाद से बताया जा रहा था कि दीप को धमकियां मिल रही थीं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक प्रदर्शनकारी की मौत भी हो गई थी। सिद्धू पर आरोप था कि घटना के बाद से सिद्धू सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे, जिन्हें उनकी एक महिला मित्र अपलोड कर रही थी। बहुत ही दुख की बात है कि हमने लता मंगेशकर और रवि टंडन की तरह मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। दोस्तों, आप भी दीप सिद्धू की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।